हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका ज्योतिष ब्लॉग में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी खूब 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 अच्छी हूँ। तो दोस्तों, हो गया सुबह का आकाश और घड़ी में बज रहा है पौने आठ। तो एक्चुअली मैं 3:05 में एक बार उठी थी। बेटा बेड गीला कर दिया, मतलब पैंट गीला कर दिया, टॉयलेट कर दिया था बिस्तर में। 3:05 में उठने के बाद उसमें मैंने पूरा ड्रेस चेंज कराया। तो ये चेंज करके यहाँ फेंक दी, अभी नीचे ले जाऊँगी धोने के लिए और उसे फिर से पैंट वार्मर वगैरह पहनाई। और उसके जगह पे मैं सोई। और ये वाला जो रबर है इसको बिछा के सोई। इसके ऊपर ये टॉवल था, ये कपड़ा था, तो ये बिछा के मैं सोई थी। सुबह उठी तो ख़राब हो गया। तो 3 बजे उठी थी, उसके बाद नींद नहीं आ रही थी। तो उठी फिर मैं आपका उठी मतलब मैं फिर सोई क्या बोल रही हूँ फिर मैं सोई 4:20 में। फिर भी नींद नहीं आया था, एक मच्छर भी घुस गया था, काट भी रहा था, मतलब नींद ये बताऊँ। फिर मेरे बेटे का भी नींद खुल गया था, लेकिन 5:30 बजे। फिर वो तब से तंग कर रहा था, चलो नीचे चलो नीचे, और मेरा आँख तो खुलने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसे करते 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 बेटे को टालते टालते 7:10 तक मैंने उसे रखा कैद में, मतलब मच्छर के अंदर, मतलब बेड के अंदर। उसके बाद तो वो बिल्कुल भी नहीं सुना मेरा बात। नीचे जाऊँगा जीत गया। तो मैं अभी उसको नीचे भेज दी हूँ, मैं फ्रेश हो गई। उसके बाद मैं आगे अपने बिस्तर, अपने घर को उजाड़ने के लिए, जो मेरा बसा हुआ घर है उसको उजाड़ने के लिए, तो ये मच्छरदानी खोल ली हूँ। और ये जो चद्दर रहता है, मतलब मच्छरदानी के ऊपर, उसे भी समेट ली हूँ। और आज मैं बिस्तर का बेडशीट चेंज करूँगी दोस्तों, दूसरा बेडशीट यूज़ करूँगी। तो इसको अभी मैं पहले तो हटा लूँगी, पूरे बिस्तर को समेट लूँगी। उसके बाद घर झाड़ू लगाने के बाद आज पोछा नहीं लगाऊंगी। और आज है क्रिसमस, मैरी क्रिसमस टू ऑल। तो सोच रही हूँ अभी कि हम लोग कहीं बाहर जाएं, तो देखा जाए मैं बाहर कितने बजे और कब जाऊं और कैसे जाऊं और किसके साथ जाऊं, कुछ भी नहीं मुझे पता, बस मैं सोच ही रही हूँ। तो सोच रहा अगर मेरा सार्थक हुआ तो ऑब्वियसली आप लोगों को भी लेके जाऊंगी वहां पर जहां मैं जाऊंगी। तो दोस्तों, बिस्तर समेटने वाला वीडियो आप लोग के साथ नहीं शेयर करूंगी, डेली आप लोग भी बोर। पर मैं एक चीज न्यू हुआ है, वो ये एक फ्लावर का क्रीपर यहाँ भी लगा दिया है। तो नीचे वाले को मैं ऊपर ट्रांसफर की हूँ, बैक कैमरे से दिखा रही हूँ। तो नीचे वाले को ही मैं ऊपर लेके आ गई हूँ, क्योंकि नीचे में मेरा बेटा जो है इसको तोड़ रहा था, एकदम से इसको तोड़ रहा था। तो फिर मैं ऊपर लेके आ गई हूँ, तो यहाँ पे भी अच्छा ही लग रहा है, मुझे तो लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है थोड़ा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। और चलो, बिस्तर का जो हालत है उसे भी ठीक कर लिया जाए झटपट से। वार भी खोलूंगी, मतलब पिलो व कवर भी खोलूंगी, मच्छरदानी को समेट लूंगी, लेकिन रजाई के कवर को नहीं खोलूंगी, नहीं तो फिर पहनाने में बहुत दिक्कत होती है और उतना गंदा भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, बने रहो ब्लॉग के साथ और मैं डायरेक्ट आप लोगों से नीचे जाके मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। हेलो फ्रेंड्स, आगे आप लोगों के बीच में। और अभी मैं जैसे कि मुंह धो के फ्रेश होने के बाद एकदम से किचन में हूँ। और किचन में भी मैं मेरा जो डेली का रूटीन है वो भी कर लूंगी। डेली के रूटीन में है दोस्तों हनी एंड गुनगुना पानी। तो एक चम्मच भर के हनी लूंगी और इसे मिलाऊंगी और इसे पी लूंगी। अब हमारा यहाँ दूध गर्म हो रहा है, मम्मी बासी दूध है ये, और ये है आज का फ्रेश दूध, पापा लेके आए 2 कटोरी में। मम्मी वहाँ पे मूली को छील के रखी है, बोली थी कि पराठा बनाएगी, बट मैं पराठा नहीं खाऊंगी, मैं खाली गुनगुना पानी के साथ मधु लूंगी और उसके बाद हल्का सा मूढ़ी खाऊंगी। तो इसे पी लेती हूँ दोस्तों, उसके बाद मिलती हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं गुनगुना पानी पीने के बाद बैठ गई हूँ सब्जी काटने के लिए। ये सब्जी ब्रेकफास्ट में बनेगा, सब्जी नहीं बनेगा, एक्चुअली बनेगा पोहा। तो पोहे में कैरेट, बीन्स, पोटैटो, कॉलीफ्लावर वगैरह ये सब दे के मम्मी बनाती है, तो मम्मी ही बनाएगी ऑब्वियसली। आज मैं नहीं बनाऊँगी, मम्मी को अच्छे से बनाने आता है, मुझे इतने अच्छे से नमक का टेस्ट वगैरह नहीं आता है, तो मम्मी इसे बनाएगी। ये बनेगा बेटे के लिए, बेटे को पोहा खिला दूंगी ताकि इसका पेट काफ़ी लंबे समय तक भरा रहे और ये हेल्दी भी है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे बेटे का ब्रेकफास्ट बन रहा है पोहा। ये
अरे ये नैपकिन है बेटा, इसको आप यूज करोगे जब ऑयली चीज खाओगे तब। तो ये बन रहा है बेटे का ब्रेकफास्ट, इसको भी ढक दूंगी थोड़ा देर। पोहा खाएगा है ना बेटा, खाएगा ना। चलो इसको थोड़ा सा पानी देके ताकि पूरा जो है वो थोड़ा सा पक जाए। और मेरा यहाँ पर ग्रीन टी तैयार है, तो आप निकाल लेते हैं यहाँ से। चलो चलो चलो, तुम चलो। दो, ठंडा हो गया होने दो। तुम ज्यादा, ये है मेरा ग्रीन टी, तो अभी पी लूंगी मैं ग्रीन टी। और बेटे का ब्रश करा दी हूँ, बेटे का ब्रेकफास्ट बनने के बाद बेटे को ब्रेकफास्ट करवा दूंगी। और उसके बाद दोस्तों होगा मेरा काम। 9 बज गया, मैं 9:30 बजे नहाने के लिए जाऊंगी। अब बेटा तो सुबह पी दोस्तों, और आज क्या खाना बनेगा अभी तक नहीं पता। पापा बाजार गए हैं, बाजार से क्या लाते हैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन अभी तक पता नहीं हम लोगों को क्या लाएंगे। तो दोस्तों पापा बाजार से आ गए हैं और लाए हैं एक थैली भर के सब्जी। तो सब्जी में है ऑनियन फ्लावर, कैबेज, पम्पकिन, धनिया, उसके बाद पालक है, बीन्स है, मटर है, प्याज है, मतलब जितना हरा सब्जी इस सीज़न का सब। पापा बैंगन भी है, टोमेटो भी है, जितना है इस सीज़न का सब्जी सब उठा के लेके आए हैं। और पापा का सबसे गंदा आदत है, पापा बहुत ज़्यादा कैबेज लेके आते हैं। मेरे को कैबेज खाने में उतना अच्छा नहीं लगता, पापा हमेशा कैबेज ज़्यादा करके लेके आते हैं, मम्मी भी बहुत चिल्लाती है। तो ये है मेरे पापा का छोटा सा बाजार। तो दोस्तों मैं थोड़ा बाहर जाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अभी तक सच में मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँगी। बट अच्छा क्रिसमस है, तो क्रिसमस में चर्च ही जाऊंगी सोच रही हूँ। कौन से वाले चर्च में जाऊंगी, चर्च तो बहुत सारा है, कौन से वाले चर्च में जाऊंगी नहीं पता। तो फिलहाल अभी रेडी हूँ, बेटे का वेट कर रही हूँ। बेटे का कपड़ा वहाँ निकाल के रख दी हूँ, उसको वो वाइट इनर डाल दूंगी ऊपर से, और एक कैप रेड कलर का जो होता है सेंटर वाला। उमा ठाकुर घर से नहीं है सोना वही लाल टोपी। तो दोस्तों मेरा सेंटा भी बिल्कुल रेडी हो गया है, उसको इनर के ऊपर और एक इनर डाल दी हूँ। थोड़ा कार्टून सा लग रहा है, बट वाइट वाला टी शर्ट कहाँ पर रखी हुई नहीं मिल रहा है, इसलिए इसे ही पहना के लिए चलती हूँ। और ये है मेरा सेंटा वाला कैप जो कि मैंने बेटे को पहना दिया, ये जब 1.5 साल का था तभी मैंने इसके लिए खरीदा था, अभी भी इसका हो ही रहा है। तो दोस्तों मेरा बेटा यहाँ पे वेजिटेबल सेलर बन गया है, साइकिल से सब्जी बेचने के लिए आ रहा है। क्या बेच रहे हो? और क्या कॉफी? और इंग्लिश में क्या बोलते हैं मटर को? सीम। मटर को सीम मोटर। सीम मोटर तो कितने रुपए किलो है? कितने रुपए किलो? 10 रुपया। 10 रुपया? 10 रुपये में क्या है? बैगुन। किताब कॉपी भी और बैगन भी, ये देख सकते हो। अपने साइकिल में लोड कर लिया है सब्जी, और सब्जी बेचे जा रहा है। अच्छा ही है, चलो अपना बिजनेस करो। तो दोस्तों अभी हम लोग तैयार होने के बाद निकल पड़े हैं टोटो से होते हुए चर्च। तो कौन से चर्च में जा रहे हैं ये आप लोग को वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा, और मुझे भी पता चलेगा। चल मैं भी चर्च जा रहे हैं और टोटो में है, बेटा यहाँ पर है, बहन यहाँ बैठी है, और बहन का काम है मोबाइल में से स्नैप लेना। वो स्नैप लिए जा रही है अपना मेमोरी पूरा खत्म कर देगी। तो दोस्तों अभी हम लोग दुधानी के चर्च के पास खड़े हैं गेट पर, अभी अंदर एंट्री नहीं किए हैं। यह है डेकोरेशन, लेकिन लाइट वगैरह तो रात को ही जलेगी, दिन को तो नहीं जलेगी। और ये है होली चाइल्ड स्कूल के कैंपस के पास ही, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है अंदर, चलो देखते हैं क्या है। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं चर्च। चर्च में देख सकते हो बहुत कुछ बिक रहा है यहाँ पर, माला वगैरह। लेकिन मेरी बहन जैसे बोली थी कि मेला लगता है, इससे अच्छा तो आई थिंक वहाँ लगता है। तो चलो आप लोग एक एक बार करके सब जगह घुमा देती हूँ, और मैं भी घूम लेती हूँ आप लोगों के साथ। तो बने रहो ब्लॉग के साथ दोस्तों।
तो चलो हम लोग देखते हैं वहाँ पे जो सजावट है जीसस क्राइस्ट का कैसा है और उनका जन्म के बारे में जो बताया जाता है वो सब दिखाया गया है। तो चलो बेटे को मैं दिखाती हूँ दोस्तों। तो एक्चुअल में व्हाई डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस, वही मैं अपने बेटे को बताऊँगी। तो क्रिसमस हम लोग सेलिब्रेट इसलिए करते हैं, बेटे को मैंने बताया कि जब वो जो शिशु है वो है जीसस, जीसस क्राइस्ट। और क्रिश्चियंस जो हैं वो विश्वास रखते हैं कि वो जो जीसस क्राइस्ट है वो बेटा है किसके, सूर्य के। तो वही मैं अपने बेटे को बता रही हूँ। बहुत अच्छा डेकोरेशन है दोस्तों यहाँ का अंदर का। तो सन ऑफ गॉड है ये जीसस क्राइस्ट जो है वो सन ऑफ गॉड है और सब क्रिश्चियंस उनको मानते भी हैं। और जो क्रिसमस है दोस्तों वो एक्चुअली में बनाया इसलिए जाता है क्योंकि द नेम ऑफ क्रिसमस कम्स फ्रॉम द मार्क्स ऑफ क्राइस्ट, मतलब जो मार्क्स से आते हैं क्रिस्ट उसी से उनका नाम रखा गया है। और जो मार्क्स सर्विस है इज वेयर क्रिश्चियंस रिमेंबर दैट जीसस डाइड एंड देन कम बैक टू लाइफ, वो वापस हमारी ज़िंदगी में आते हैं मृत्यु के बाद। इसलिए उनका जो है भव्य तरीके से जन्म उत्सव मनाया जाता है और मिडनाइट के टाइम ही मनाया जाता है क्योंकि ना ही रात के समय और ना ही दिन के समय मनाया जाता है, मिडनाइट मनाते हैं क्योंकि जन्म के तुरंत बाद का समय होता है ये उनका। तो यही उपलक्ष्य में क्रिश्चियंस जो हैं मनाते हैं क्रिसमस डे। तो भाई मैं अपने बेटे को समझाया थोड़ा। तो दोस्तों हम लोग चर्च के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और घूम भी लिए हैं, बेटा को सेंटा वाला कैप दे रही, वो पहन ले रहा है, वहाँ पे जहाँ पे कैंडल स्टैंड है वहीं पे जा रहा है वो बार बार। तो ये है उसकी सतानी और मेरे पीछे है। तो दोस्तों हम लोग गेट में जब प्रवेश किए थे तो सबसे पहला जो भगवान का जो जीसस का आइडल बना हुआ है ये है, मेरा बेटा उनको चूम रहा है। तो भगवान उनको सच में सद्बुद्धि दो, वो बहुत अच्छा आदमी बने बड़ा होके। और ये है जीसस की मदर, वाइफ ऑफ जोसेफ, मैरी मतलब मदर ऑफ जीसस। तो ये है दोस्तों चर्च। तो दोस्तों हम लोग चर्च वगैरह घूम लिए हैं और अभी हम लोग निकल के बाहर की ओर जाएंगे। तो दोस्तों बेटे को थोड़ा सा भूख लग गया है और यहाँ पे इडली स्टॉल था तो बेटे को मन किया इडली खाने का, वही मैं उसको खिला रही हूँ। तो मैं सिर्फ सांभर और चटनी का मज़ा ले रही हूँ और वो इडली का मज़ा ले रहा है। तो अभी मैं उसको खिलाने के बाद हम लोग जाएंगे अपने फ्रेंड के घर, मतलब मेरी फ्रेंड के घर, और उसके बाद सीधा हम लोग घर की तरफ रवाना देंगे। अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है इसीलिए मैं जाऊँगी फ्रेंड के घर। हेलो दोस्तों, तभी बज रहे हैं दोपहर का 1:30 और जैसे कि ड्रेस चेंज कर ली, देख के लग रहा है आप लोग को, और मैं अभी आ गई बिस्तर को समेट बिछाने के लिए क्योंकि सुबह मैंने कहा कि मैं बिस्तर चेंज करूंगी तो बिस्तर समय यहाँ पे रखी हूँ सब रजाई वगैरह, तो इसमें ट्रांसफर करूंगी, पहले इसको बिछा लेती हूँ, उसके बाद। तो मम्मी हाथ लगा रही है लेकिन बिछाऊंगी मैं। मम्मी का यह है करेला फ्राई, ये है मूली का साग फ्राई, ये है बबरे थोड़ा थोड़ा कटोरी में, ये है पपीता का सब्जी, कल का ही होगा छोटा सा थोड़ा सा बचा है लेकिन बाकी सब कल का नहीं, यही सब कल का है, चावल, फिश फ्राई, ये काली का सब्जी है, और यहाँ पर है बैगन और सीम का सब्जी। तो यही होगा हमारा आज लंच मेनू, बहुत ही, ये पम्पकिन का सब्जी है मम्मी ने बनाया बेटे के लिए, पता नहीं खाएगा कि नहीं। तो चलो दोस्तों मैं बेटे को खिलाने की कोशिश करती हूँ, फिर आप लोगों के बीच आऊंगी, कब आऊंगी थोड़ी देर बाद ही आऊंगी शायद, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों खाना खा के मैं ऊपर आ गई हूँ और ऊपर में पूरा एकदम फ्रेश बिस्तर बिछा हुआ है तो सोने का मन कर रहा है बहुत। वैसे भी हम लोग दिन को थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं मैं और मेरा बेटा, तो बेटा भी बिस्तर पे आ गया है, वो भी सोएगा ऐसे नहीं बोलना चाहिए, और मैं भी थोड़ा सा सोऊंगी। तो बिस्तर बनाया है दोस्तों, शाम को फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों के बीच आऊंगी। तो हाँ फिलहाल वीडियो को स्टॉप करती हूँ, बाद में स्टार्ट करूंगी, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों अभी डायरेक्ट मिलने आ गई आप लोगों से शाम को और अभी बज रहे घड़ी में 6:45 और हम लोग अभी थोड़ा सा छोटा सा एक क्रिसमस, अरे चाकू है बेटा ऐसा मत करो। तो अभी हम लोग छोटा सा एक क्रिसमस सेलिब्रेशन करेंगे अपना क्रिसमस, इधर केक है, इसमें केक कटिंग होगा, मेरा बेटा केक कटिंग करेगा, बहन यहाँ बैठी हुई है, मम्मी यहाँ पर है, तो सबके साथ अरे मामा केक हाथ के डे में। तो दोस्तों केक कटिंग का जो यीशु वाला वो भी कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, आप लोग देखते रहो मेरे ब्लॉग को। दोस्तों ये रहा मेरा क्रिसमस केक और मेरा बेटा इसके साथ छेड़खानी कर रहा है और यहाँ पे बैठ गया है मेरा क्रिसमस वाला बॉय। तो दोस्तों अभी हम लोग क्रिसमस केक कटिंग कर लेंगे ना बेटा, होल्ड क्रिसमस वाला बॉय ना मेरा सेंटा, हाँ सेंटा ही ये रहा, लो 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 लो, ए हाथ देना, ए हाथ दे काटता है, पकड़ो नाइफ,
विश यू अ मैरी क्रिसमस, 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 विश यू अ मैरी क्रिसमस। चलो लो खा लो, और अभी सबको खिला दो थोड़ा थोड़ा करके, ये लो उसे खिला दो। अब पूरा दिए चाहिए, खिला दो थोड़ा सा मेघू मासी को, थोड़ा सा खिला दो। हेलो फ्रेंड्स, आगे फिर से आप लोगों के बीच में। तो केक कटिंग के बाद दोस्तों इतना सा केक बचा है अभी, तो बेटा मेरा कुछ भी नहीं खाया, मतलब बिल्कुल ही नहीं केक खाया। और बैक कैमरे से आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मेरे पास थोड़ा सा सूजी पड़ा था इसमें, और खोआ पड़ा हुआ था, तो इसको मैं अभी मैदे को बेल ली थी। और अभी जैसे कि यहाँ पे चार बनाई हूँ, और चार गुजिया बनाई हूँ, गुजिया बोलते हैं इसको दोस्तों, चार गुजिया बनाई हूँ। तो इसको भी और भी इसमें स्टफ डाल के इसको इसकी सहायता से काट लूंगी, तो आप लोग देखो एक मैं कैसे बनाती हूँ। तो दोस्तों पहले तो मैंने इसे एक बेल लिया पूरी की तरह, बिल्कुल बेलने के बाद दोस्तों इसमें मेरा थोड़ा सा स्टफ है, ये सूजी का और मावे का स्टफ है, इसको मैं अच्छे से इसमें से इसमें डाल दूंगी जितना है लास्ट बचा हुआ। तो मेरे पास थोड़ा सा ही था तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया। मुझे ये डिश बहुत अच्छा लगता है, ये तो स्पेशली बनाया जाता है दोस्तों होली में, इसे गुजिया भी बोलते हैं, और कोई कोई इसे पिरुकिया भी बोलते हैं। तो आपको जो मन वही बोलो, मैं तो गुजिया ही बोलूंगी। गुजिया उत्तर भारत में बोलते हैं, मतलब यूपी साइड गुजिया ही बोलते हैं। इसमें मैंने सब मावा डाल दिया है, अभी इसको मैं टर्न कर दूंगी, टर्न कर दिया, और उसके बाद इसे मैं इस कटोरी की सहायता से काट लूंगी। काटने के बाद दोस्तों आप लोग देखना ये इतना प्यारा बन गया, एकदम गोल सा मोमोज जैसा एकदम। इसको एक बार हाथ से प्रेस कर दूंगी चारों तरफ ताकि ये फटे ना, चारों तरफ मैंने प्रेस कर दिया। उसके बाद इसे मैं अभी तेल में डीप फ्राई कर लूंगी। मेरे पास यहाँ पे तीन गुजिया ही है देने के लिए, तो अभी मैं इसको डीप फ्राई कर लूंगी तेल में मैं डीप फ्राई कर लूंगी। इसे डीप फ्राई कर लूंगी, और कुछ बना हुआ है, और यहाँ पे इतना सारा मैदा बच गया, तो पता नहीं इसका मम्मी क्या करेगी, मुझे नहीं पता, मम्मी जो करेगी करेगी। फिलहाल मम्मी को आने का वेट करूंगी, मैं आने तक का वेट करूंगी। और आटे से तो अभी रोटी बनेगा ही घर पे, तो एक बार टर्न कर देती हूँ। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को अभी भी जो सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आए तो वाकई। और दोस्तों ये तो बन गया, उसके बाद हम लोग का डिनर करने में भी टाइम है, और अभी बज रहा है रात का 7:40। तो डिनर में पता नहीं क्या बनेगा, अभी तक कुछ ठीक नहीं है, रोटी बनेगा या दिन का सब्जी होगा तो हो जाएगा हमारा, बेटे का तो पंपकिन का सब्जी है ही, उससे उसका हो जाएगा, तो देखा जाए वो क्या खाता है। तो आज का वीडियो दोस्तों आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो कल मिलूंगी बहुत जल्द आप लोगों के बीच, और कुछ नए स्पेशलिटी के साथ, कुछ नए ब्लॉग को लेके, नए ब्लॉग डेली ब्लॉग को लेके। तो आज का वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू, बाय।